हेलो फ्रेंड्स, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आपके लिए दिव्य दक्षिण यात्रा विद ज्योतिर्लिंग का एक शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। इस पैकेज में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन द्वारा तिरुवन्नमलई, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, त्रिची और तंजावुर के दर्शनीय स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इस प्रकार 8 रात और 9 दिन का टूर पैकेज 6 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को कवर करेगा। पैकेज में ट्रेन, बस, होटल, भोजन, गाइड और इंश्योरेंस शामिल है। इस वीडियो में हम आपको भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के इस यात्रा पैकेज की डिटेल्स देंगे, दैनिक यात्रा कार्यक्रम, यात्रा में कहां कहां जाएंगे और क्या क्या देखेंगे, यात्रा में क्या शामिल है और क्या नहीं शामिल है, यात्रा पैकेज की कॉस्ट अर्थात किराया कितना है तथा पैकेज की ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें, यह भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं यात्रा कार्यक्रम। पहला दिन, पैकेज के पहले दिन ट्रेन सिकंदराबाद से रवाना होगी। सिकंदराबाद के साथ यात्रीगण काजीपेट, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, तेनाली, ओगोल, निल्लौर, गुजर और रेनीगुंटा स्टेशन से बोर्डिंग कर सकेंगे, यानी ट्रेन में चढ़ सकेंगे। दूसरा दिन, यात्रा के दूसरे दिन ट्रेन प्रातः 9 बजे तिरुवन्नामलई पहुंचेगी। तिरुवन्नामलई स्टेशन पहुंचकर आवासीय सुविधा स्थल पर नहाने धोने और तैयार होने के बाद अरुणाचलम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। मन मदुरई की आगे की यात्रा के लिए शाम को तिरुवन्नामलई स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में सवार होंगे। यात्रा का तीसरा दिन, मन मदुरई रामेश्वरम। यात्रा के तीसरे दिन ट्रेन प्रातः 8 बजे मन मदुरई स्टेशन पहुंचेगी। सड़क मार्ग से रामेश्वरम जाएंगे, होटल में चेक इन करेंगे और फ्रेश होने के बाद रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग तथा स्थानीय मंदिरों के दर्शन करेंगे। रात्रि भोजन एवं रात्रि विश्राम रामेश्वरम में ही करेंगे। यात्रा का चौथा दिन, रामेश्वरम मदुरई। यात्रा के चौथे दिन बस द्वारा रामेश्वरम से मदुरई के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम को मीनाक्षी अमर मंदिर देखने जाएंगे और खाली समय में खरीदारी करेंगे। उसके बाद कन्याकुमारी के आगे की यात्रा के लिए मदुरई स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में सवार होंगे। पांचवा दिन, कन्याकुमारी। यात्रा के पांचवें दिन प्रातः 8 बजे कन्याकुमारी पहुंचेंगे। रॉक मेमोरियल, गांधी मंडप, सनसेट पॉइंट की विजिट करेंगे। रात्रि भोजन और रात्रि विश्राम कन्याकुमारी में ही करेंगे। छठा दिन, यात्रा के छठे दिन कन्याकुमारी से प्रातः 9 बजे नागरकोइल के लिए प्रस्थान करेंगे। त्रिवेंद्रम, कोचुवेली की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन में सवार होंगे और ट्रेन में ही नाश्ता लेंगे। दोपहर 12 बजे त्रिवेंद्रम के कोचुवेली स्टेशन पहुंचेंगे। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और कोवलम समुद्र तट की यात्रा करेंगे। वापस कोचुवेली स्टेशन पहुंचकर तिरुचिरापल्ली की आगे की यात्रा शुरू करेंगे। रात का खाना ट्रेन में ही लेंगे। सातवां दिन, यात्रा के सातवें दिन तिरुचिरापल्ली स्टेशन पर आगमन। तरोताजा होने के बाद श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करेंगे। दोपहर के भोजन के बाद सड़क मार्ग से तंजावुर जाएंगे, जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर सिकंदराबाद की वापसी यात्रा के लिए ट्रेन में सवार होंगे और रात का खाना ट्रेन में ही लेंगे। आठवां दिन, रेनीगुंटा स्टेशन से प्रातः 9 बजे ट्रेन प्रस्थान करेगी। फिर गुडूर, नल्लौर, ओंगोल, तेनाली, विजयवाड़ा, खम्मम, वारंगल, काजीपेट होते हुए सिकंदराबाद पहुंचेगी। इच्छुक यात्रीगण इन स्टेशनों पर ही बोर्डिंग कर सकेंगे, यानी रेल से उतर सकेंगे। 9वें दिन रात को 2:30 बजे सिकंदराबाद पहुंचकर सुखद यादों के साथ यात्रा का समापन होगा। दिनांक 5 सितंबर 2023 को सिकंदराबाद से शुरू होने वाले इस पैकेज का टूर प्राइस यानी किराया इस प्रकार रहेगा। इकोनॉमी कैटेगरी डबल ट्रिपल शेयरिंग 14,300 रुपये प्रति व्यक्ति, 5 से 11 वर्ष के बच्चे के 13,300 रुपये, स्टैंडर्ड कैटेगरी डबल ट्रिपल शेयरिंग 21,900 रुपये प्रति व्यक्ति, 5 से 11 वर्ष के बच्चे के 20,800 रुपये, कम्फर्ट कैटेगरी डबल ट्रिपल शेयरिंग 28,500 रुपये प्रति व्यक्ति और 5 से 11 वर्ष के बच्चे के 27,100 रुपये। टूर पैकेज में ये शामिल है। टूर पैकेज में ये शामिल नहीं है।
दिव्य दक्षिण यात्रा पैकेज से संबंधित अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन बुकिंग के लिए कृपया IRCTC की इस वेबसाइट पर जाएं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।